सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जिला व्यापार मंडल सोनीपत ने पुलिस के दुर्व्यवहार एवं कार्रवाई में लापरवाही बरतने पर धरना शुरू किया, जिसमें शहर की सभी मार्केट के प्रधान तथा कई संस्थाओं के प्रधान शामिल हुए। इंडस्ट्री एरिया सोनीपत में कुछ दिन पहले एक व्यापारी के यहाँ 3 बार चोरी हुई। पुलिस को चोरी होने के बाद सीसीटीवी फुटेज के बाद व्यापारी द्वारा चोर भी पकड़कर पुलिस को दे दिए गए थे। उसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट सोनीपत के व्यापारियों ने वीरवार को धरना शुरू किया। धरना शुरू करने के बाद सिटी थाना के अधिकारी सत्यवान ने पुलिस बर्ताव के लिए माफी मांगी तथा केस की 2 दिन में सच्चाई सामने लाने और कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। सोनीपत से श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट। जिला व्यापार मंडल सोनीपत द्वारा सिटी थाने के अंदर यह धरना व्यापारियों द्वारा शहर में बढ़ती हुई चोरी की घटनाओं तथा पुलिस के दुर्व्यवहार के खिलाफ किया गया है। हमारे सोनीपत के एक व्यापारी जिसकी 8 दिन में 3 बार चोरियां हो चुकी है, उसकी सीसीटीवी फुटेज तथा हमने चोर को भी पकड़कर पुलिस को कल दे दिया। कल पुलिस ने हमारे से 24 घंटे मांगे, उसके बाद पुलिस ने चोरों को छोड़ दिया। आज हमने दोबारा से सभी व्यापारियों ने मिलकर पुलिस से आज इसका कारण पूछा, उनको क्यों छोड़ा गया, तो हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, जिसके चलते आज हमने यही सिटी थाने के अंदर शहर के सभी मार्केटों के प्रधान तथा सामाजिक संस्थाओं के प्रधानों द्वारा यह निर्णय लिया गया और ये धरना शुरू किया गया। अब अंत में SHO सिटी द्वारा माफी मांगने तथा 2 दिन के अंदर यह केस खुद सुलझाने का वादा करने के बाद हमने धरना समाप्त किया। धन्यवाद।